हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्योति प्राची ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम हो गए हैं 4 बजने को 10 मिनट बाकी, आप लोग देखिए यहाँ पास तो समय हो गया है शाम के 4 बजने को 10 मिनट बाकी है। और हम जा रहे हैं रेडी होने, और काहे किस लिए रेडी होने जा रहे हैं। और तो आप लोग कंटिन्यू ऐसे ब्लॉग में बने रहेंगे तो पता तो चल जाएगा कि किस लिए रेडी होने जा रहे हैं ना। तो चलिए, टाइम तो मैं बता दी कि कितना समय लगने वाला है, क्या टाइम के अनुसार है। पता नहीं कितने समय तक रेडी होंगे, क्यों रेडी हो रहे हैं, तो कंटिन्यू आपको ब्लॉग में देख के पता चलेगा, ठीक है ना। मैंने आप लोग को दिखाया कि मैंने इतने सारे सामान रखे हैं और ये सबसे मैं रेडी होने वाली हूँ। रेडी तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहले तो कंघी कर लेती हूँ। राची बेचारी हमारी मदद कर रही, हेल्प कर रही। ऐसे मोड़ दूंगी, मोड़ा हुआ तो आज तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 12 में कुछ कर रही। मैं सोच रही आज सिंपल सी कंघी करूं। मेरे छोटे वाले ना, तो थोड़ी प्राची भी हमारी हेल्प कर रही है, तो कर रही मेरी छोटी। तो गाइस, ये नकली बाल मैंने लगाए, आप लोग तो देखते ही हैं कि मेरे बाल छोटे हैं, और मैं नकली बाल रखी थी। मुझे आज मन था कि लंबी छोटी करो, तो मैं छोटी लंबी कर लूँ। देखिए तो दोस्तों, ये फाइनली जो है मेरा लुक जो है, मतलब छोटी जो है, तो तैयार हो गई और बाल कंप्लीट हो गए। तो अब चलिए जो है तो मेकअप कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मेकअप में यूज़ करेंगे प्राइमर। उसके बाद ये लेंगे फाउंडेशन। और इसमें मिक्स करेंगे थोड़ी सी फेयर लवली। मेरी चूड़ी सेट कर देता था यहाँ पास है जो फर्स्ट।
चलिए मेरा ये लग चुका फाउंडेशन। हल्का सा वाइट टोन पाउडर लगाती हूँ मैं। उसके बाद फ्रेश पाउडर यूज करूँगी। फ्रेश पाउडर मैं कोई सा भी लगा लेती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं यही बस लगाती हूँ। लैक्मे का भी पाउडर है हमारे पास, फ्रेश पाउडर, लेकिन मैंने उसको भी अंदर रखा था तो नहीं निकाली। मैं सोची जो बाहर है उसी के यूज कर लेती। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बहुत ही कोई बहुत ज़्यादा कोई कंपनी की चीज़ नहीं यूज करती, फिर भी जो नॉर्मल मेकअप रहे जो सभी मेकअप कर सके वो मेकअप मैं ऐड कर रही हूँ। इसकी पिटाई करना पड़ेगा मुझे। रुको रुको, इसको नहीं, मेकअप कर रही ना, तुम दूसरा ले लो, दूसरा इधर हिलाना नहीं। मेरी भतीजी आई है, इस समय थोड़ा सा काफ़ी तंग कर रही है। मेकअप वेकअप करने लगो तो कुछ ज़्यादा ही करने लगती है। उसको लगता है बुआ मेकअप कर रही है और मेरे को नहीं करवा रही है। उधर मत जा बेटा, गिर जाएगा ना हर चीज़ सामान। थोड़ा सा हम जब तैयार हो जाएंगे तब तुम्हें भी कर दूंगा। जो सभी मेकअप कर सके वो मेकअप मैं ऐड कर रही हूँ। पिटाई करना पड़ेगा मुझे। रुको रुको, इसको नहीं, मेकअप कर रही ना, तुम दूसरा ले लो, दूसरा इधर हिलाना नहीं। मेरी भतीजी आई है, इस समय थोड़ा सा काफ़ी तंग कर रही है। मेकअप वेकअप करने लगो तो कुछ ज़्यादा ही करने लगती है। उसको लगता है बुआ मेकअप कर रही है और मेरे को नहीं करवा रही है। उधर मत जा बेटा, गिर जाएगा ना हर चीज़ सामान। थोड़ा सा हम जब तैयार हो जाएंगे तब तुम्हें भी कर दूंगा। और ये लग चुका है चूड़ी का सेट जो कि मैंने लगा दिया है। ये खराब ना इसलिए से मैंने पहन दिया, इससे खराब है। फिलहाल हो गई हूँ फ्रेश पाउडर से फुर्सत, है ना। चलिए थोड़ा सा मैंने आँखों को सजा ही लेती हूँ। एक साथ ज़्यादा रख के रखूँगी। चलो Okay।
यहाँ पास हमारी आँख हो गई है थोड़ी थोड़ी रेडी, दोबारा से चले इसको अंदर बंद कर दो, दरवाजे के अंदर जाओ। यहाँ पास काजल से भी मैं हो गई फुर्सत और मेरी आँख हो गई कंप्लीट। तो चलिए थोड़ा बहुत अब हो गया और हल्का फुल्का जो भी मेकअप बचा है मैं कर लेती हूँ। यहाँ पास मैं ये लिपस्टिक यूज़ करने जा रही हूँ इसलिए कि रेड कलर की ख़त्म हो गई है और मेरी फेवरेट लिपस्टिक जो है कलर का वो ख़त्म हो चुका है, तो मुझे मजबूरन ये वाला कलर यूज़ करना पड़ रहा पर्पल कलर का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ये वाली भी अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही। मैं लगा लेती हूँ सिंदूर। जो सब सिंगारों में से भी अधूरा है जब तक समाज इंसान की नरे शादी सुगम लड़कियाँ तो ये हो गया फाइनली अभी तक का मेकअप करेगी। ये मैंने मार दिया मेकअप फिक्सर। तो फाइनली जो है तो हम मुँह का मेकअप बस इतना ही करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि बहुत ज़्यादा तो नहीं था, नॉर्मल मेकअप था, है ना। तो फिलहाल जो है तो अब बचा है गले का पहनना और चूड़ियाँ पहनना, है ना। मैं उसको भी पहन लेती हूँ। सबसे काम जल्दी जल्दी में चूड़ियाँ पहनना काम कठिन बहुत ही रहता है। ये देखिए मेरी चूड़ियों में मैंने पहन ली और आप लोग सेट कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब जो है तो पहले तो मैं कपड़े पहन लेती हूँ, उसके बाद जो है तो गले वाले का काम तो पहनूंगी, है ना। तो आप लोग अभी देख ही रहे हैं कि कैसे। तो चलिए अब हम रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं कैसे लग रही हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। तो तब तक मैं अब गले का थोड़ा ज्वेलरी वाली पहन लेती हूँ, है ना। तो ये है हमारी ज्वेलरी। आज मेरी चोटी बहुत दुख दे रही है। तो मैं ये पहन ली
और मैं कान का भी पहन लेती हूँ। तो यहाँ पास हो गई हूँ मैं रेडी, कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ठीक। और यहाँ पास मैं रखी हूँ नथ, नथ से मुझे बहुत डर लगता है और ऊपर से कहते हैं अच्छा भी लगता है। तो फिलहाल देखती हूँ, प्राची आओ इधर, थोड़ा मदद करो इधर, इस बार आओ। नीचे ऐसे काम के थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा काम के ऊपर करती, कान में रखा है यहाँ पास देख लीजिए मैं लगा ली। अब रही बात बेदी है, तो बेदी मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रही, लगाने का मन भी नहीं है। मैं सोच रही थी इतने करी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ थोड़ा सा कि ये बेदी में लगाती तो अच्छी लगती कि नहीं अच्छी लगती, आप लोग बताओ। अच्छा लग रहा है, तुम्हारी बिटिया रानी कह रही कि मम्मी लगाई लोगों पर थोड़ा सा, तो फुल मेकअप पूरी हमारी दुल्हन जैसे तैयार रेडी कर दी है ना। तो यहाँ पास मैंने एक चिमटी का उपयोग कर लूँ, नहीं तो भाग जाएगी। इसमें थी नहीं है, हमारे सब चिमटी दूसरे बॉक्स पे रखी। चलो हमारा लगता है निकल चुका पे। तो फाइनली दोस्तों जो है तो मैं हो गई हूँ रेडी, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ है ना। और यहाँ पास भी देख लीजिए आप लोग कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। प्राची हमारा जो है तो बहुत सारा मेहनत करी है ना, तो यहाँ पास देख ही रहे हैं आप लोग। तो ये देख लीजिए मैं कितनी कैसे लग रही हूँ कैसे नहीं। और फाइनली गाइज ये देखिए आप लोग, ये मैं अपना खुद का नहीं पहन, ब्लाउज मेरी तो लहंगा प्राची का है ना, जो भी है तो मतलब सब मिलजुल के होता है। और आप मैं आप लोग को वीडियो के अंत में बता ही देती हूँ कि किस लिए रेडी हो रही हूँ है ना। तो बनने वाली है शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स रील्स तैयार करने के लिए मुझे कितना सारा तैयार होना पड़ता है। और कितने सारे देख रहे हैं कि सब चीज़ 3 बजे के हम लोग जग चुके हैं, 5 बजने वाले 3 बजे से जगी थी। और उसके बाद फिर घर का पहले थोड़ा बहुत जो भी काम था वो करी, फिर जाके सामान इकट्ठे करी, क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद फिर आप लोग को तो बताई हूँ कि 4 बजने को 10 मिनट बाकी था, तब से मैं मेकअप कर रही हूँ। अभी टाइम मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कितने बजे है ना, कितना घंटे लगे है ना। तो यहाँ पास आप लोग समय देख रहे हैं आप कि 20 मिनट बाकी रह गया है सिर्फ 5 बजने को है ना। तब तक मैं रेडी हो के मतलब नॉर्मल रेडी हुई हूँ, मतलब ये आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि कोई पार्लर में जाती हूँ कि पार्लर से मैं रेडी होती हूँ, कभी भी ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा जो लुक है तो आज पता नहीं किस किस डांस का किस किस रील्स का रहेगा। और एक बात आप लोग सोचिए कि मुझे आप लोग को लगता होगा कुछ हो गया, कोई बात नहीं, 14 सेकंड का रील्स रहता है, 1 मिनट का रील्स रहता है, हो गया कोई बात नहीं है, देख लेती हूँ बस हो गया। बाकी ऐसा बस सोचिए एक 14 सेकंड के रील्स के लिए पहले तो हम लोग को घंटों तैयारी करना पड़ता है, गाना सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस में करूँ किस में ना करूँ। उसके बाद मेरी कमर की दवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि आज हमारी 4 महीने से कमर में प्रॉब्लम है, सूजन है रीढ़ की हड्डी में, उसके बावजूद मैं डांस करती हूँ, मतलब सिर्फ आप लोग के लिए डांस करती हूँ है ना, कि आप लोग देखें। और जैसे मैं
ब्लॉग ही बनाती हूँ। ब्लॉग में तो कोई ज़रूरी नहीं रहता कि मतलब हर सब चीज़ तैयार होने के लिए चाहिए। ब्लॉग में तो नॉर्मल जैसा भी आदमी रहता है, जहाँ का रहता है वहाँ का भी बना के डाल देता है। तो फिलहाल मैं सोच रही यहाँ मतलब शॉर्ट रील के लिए, जानते हैं आप लोग कि कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, कितना ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पास आप देख रहे हैं कि जो हमारे हाथ में आपको कांच में दिख रहा होगा, तो मैंने अभी अभी जस्ट अभी इसको लिया है ना। तो मतलब सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं और रील्स के लिए सब चीज़ें मैं तैयारी करी हूँ। इसे मुझे अकेले जब रहती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है बनाने में। तो मैं सोची कि मैं ले लेती हूँ इसको स्टैंड वगैरह, उससे मेरा काम हो जाएगा। अकेले भी रहूँगी तो मैं शॉर्ट से जो भी है वीडियो बना सकती हूँ, है ना। तो फाइनली गाइज, इतनी मेहनत के बाद मेरी रील्स तैयार होती है। अगर देख के कंपनी हो या आप लोग खुद इग्नोर कर दो तो अच्छा नहीं लगता। कम से कम एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं ना। देखते हैं, मुझे पता है, देखने से ही मालूम पड़ जाता है कितने मेरे व्यूज आए हैं। तो आप लोग ने देखा, लेकिन अगर उतने में से अगर थोड़े से भी दया आ जाए तो कम से कम लाइक तो कर सकते हैं ना। तो अच्छा लगेगा हमारे हमको भी। और बिना आपके सपोर्ट तो जानते कि कुछ होने वाला नहीं है। तो जब यहाँ तक आप लाए हैं तो आगे के लिए भी हमारा ऐसा सपोर्ट बनाए रहिए, हिम्मत बनाए रहिए, ताकि मैं आगे ऐसे आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी ब्लॉग, अच्छी अच्छी रील्स, जो भी है कॉमेडी फनी वीडियो जो भी मुझसे थोड़ा बहुत आएगा, तो वो सब मैं आप लोग के लिए लेती आई रहूँ, है ना। तो फिलहाल देख रहे हैं इतना सारा गेटअप, कभी ये अच्छा है कि मेरे बच्चों का भी थोड़ा बहुत मेरे को हो जाता है जो चीज़, तो मैं वो यूज कर लेती हूँ, पहन लेती हूँ। जैसे कि रोज़ रोज़ वही चीज़ दिखाने में भी तो ख़राब लगेगा ना। और फुल मेरा ये सपोर्ट करती है, पूरा सपोर्ट करती है, सपोर्ट सभी लोग करते हैं, मेरा घर के सभी लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मेरा मेकअप में सपोर्ट करती है। ये तैयार करने में सिर्फ मुझे बहुत परेशानी होती है मेकअप करने में, और बहुत गुस्सा भी लगती है मेकअप करने में। और अगर मेरी वीडियो अच्छी वायरल हो गई ना, पसंद आ गई ना, तो मुझे बहुत खुशी होती कि चलो मेरी मेहनत सफल हो गई, अच्छा लगा, है ना। लेकिन अगर नहीं होती ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और फिर आगे जाके कुछ नहीं करने को मिलता है, करने को मन नहीं करता है ना। तो चलिए, कंटिन्यू मेरे ब्लॉग देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ऐसे ही बने रहा करिए हमारे ब्लॉग में। लाइव वीडियो भी आप लोग देखा करिए, लाइव में आती हूँ, कभी कभी आ जाती हूँ, नहीं तो रात को 8 बजे। मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड भी लाइव आने लगे हैं, थोड़ा बहुत जो भी है तो मेरा साथ देने लगे हैं। तो वो तो सिर्फ और किसी बारे में नहीं बता सकते, सिर्फ अपने एडवोकेट हैं तो वो कानून के बारे में ही बताएंगे। तो आप लोग को किसी को सलाह लेना हो तो आप आ सकते हैं। इस समय मेरी देखी भतीजी आई है, मैं मायके गई थी ना तो वहाँ से वो आई है, तो मैं इसको लेके आ गई। तो वो इस समय कहेगी, बुआ आप तैयार हो गई हो, मेरे को तैयार नहीं किया, हम गुस्सा हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो आज हमारे बच्चों लोग का गेटअप ये यही कुछ नहीं है। मैं सोची हूँ कि आज मैं ही अब जा रही हूँ शूट करने, मतलब रील्स वगैरह देखती हूँ क्या नहीं, और नेट का भी प्रॉब्लम, मोबाइल सब चीज़ देखते हैं आप लोग कि इतने घंटे तक, तभी तो मैंने तैयार हुई। मैं सब बनाने में नेट का भी खर्च होता है, और उसके बाद मोबाइल भी गर्म होता है। मैं इतना सब करती हूँ तो किसके लिए करती, सिर्फ आप लोग के लिए करती हूँ कि आप लोग देखें हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छी अच्छी कमेंट करें, ताकि मैं अच्छे कमेंट का जवाब भी दे सकूँ, है ना, और हमारा फुल सपोर्ट करें। और हो सके तो जहाँ जहाँ आपको हो सके हमारी वीडियो वायरल करा करिए, है ना। मैं बहुत निराश हो जाती हूँ, है ना, मेरे ब्लॉग और लाइव वीडियो और रील्स सभी चीज़ देखा करिए। तो तब तक के लिए चलिए, गुड बाय। अब मिलते हैं, आप लोग रील्स देखिए और बहुत सारी रील्स ऐसे, ये ब्लॉग हमारा जो है, तो बाय बाय कर लो। बाय गाइस, मिलते हैं आप सब लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, क्या लेके आती हूँ। और साथ साथ हमारी रील्स को फटाफट से देखते जाइए, कैसी बनी है, लाइक शेयर।